तुम्हारे अंदर इखलाक तमीज नाम की कोई चीज है? तो मैंने क्या कर दिया? मेरे घर आए मेहमान को चाय पानी पूछने के बजाय अंदर तक आने का नहीं कहा? आप होश में तो है? अब बोल क्या रहे? क्यों, इसमें गलत क्या है? फरदान, आप एक शादीशुदा मर्द हैं और मैं एक बेवा औरत हूँ। मुझसे इजहारे मोहब्बत करते हुए आपको शर्म नहीं आती? हमारी मोहब्बत जिस मुकाम से शुरू हुई थी वहाँ गलत और सही कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमारी मोहब्बत थी जो अब भी है। अरे अगर वो पैसे भिजवा ही रहा है तो तुम्हें इतना अजीम बनने की क्या जरूरत है जो पैसे लौटा रही हो? तुम्हें इस घर के हालात का बखूबी अंदाजा है। अगर तुम्हारे शौहर को भूले से ख्याल आ ही गया था तुम्हारी जरूरतों का तो तुम्हें क्या जरूरत थी पैसे लौटाने की? दादी, मैं अपनी औलाद की परवरिश की किसी की भीख का सहारा नहीं ले सकती। क्या तो तुम ऐसे रही हो जैसे अब भी अपने होने वाली औलाद का तुम खुद खर्चा बर्दाश्त कर रही हो? टेस्ट, चेकअप, दवाइयाँ, ये वो, कौन उठा रहा है? मेरा बेटा उठा रहा है सब खर्चा। आगे की सोचो पागल। आगे का क्या सोचो? अरे सारी जिंदगी पड़ी है तुम्हारी और अभी तो तुम अपने शौहर की जिम्मेदारी हो। भेजने दो उसे पैसे, रख लो। दादी, मैं उस शख्स का एहसान नहीं लेना चाहती, उसके बगैर जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। क्या बकवास कर रही हो? अगर तुम्हें तुम्हारे शौहर ने तलाक दे दी तो क्या बनेगा तुम्हारा और इस होने वाली औलाद का? मैं तो कहती हूँ उस बच्चे को जाए। दादी, गलत नहीं कह रही हूँ मैं, तुम्हें अब रहना तो है नहीं अपने शौहर के साथ। मेरा बेटा कब तक तुम्हारा और तुम्हारी इस औलाद का खर्चा उठाएगा? और कल कल आपको तुम्हें नई जिंदगी के शुरू करने के बारे में भी सोचना पड़ेगा तो ये बच्चा सबसे बड़ी रुकावट होगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसा भी कह सकते हैं। बारह, मैं आपका दिया गया मशवरा नहीं मानती। मैं जानती हूँ कि आपने और अबू ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कुछ वक्त इंतजार कर लीजिए, मैं कोई नौकरी करके आप लोगों का सारा कर्ज उतार दूंगी। आने दे अपने बाप को, बताती हूँ कैसी जबान पैंची की तरह चलती है तेरी। जरूर बताइए, साथ में ये भी बता दीजिएगा कि आपने मुझे क्या मशवरा दिया। मुझे यकीन आपके इस मशवरे का सुन के अबू को बहुत दुख होगा। कोई अफसोस नहीं होगा, बड़ी आई, एक गलती वो करी फिर घर आन के बैठ गई महके में, अब एक और गलती करने जा रही है। पता नहीं क्या हो गया है जमाने को या लड़कियों को आजकल। तो बाय माँ, आपने मुझे बताया नहीं कि आप लोग यहाँ आने वाले थे। मुझे क्या पता था कि तुम यहाँ पर हो, मैं तो आपा को चेकअप के लिए लेके गई। तो तबीयत कैसी है आपकी? पहले तो खराब थी लेकिन अब बिल्कुल ठीक हो गई है। तुम ऑफिस जा रहे हो या घर चलोगे? जी मैं बस थोड़ी देर तक निकलूंगा। अच्छा बेटा, हम लोग भी अब चलते हैं। पापा का बहुत ख्याल रखना, इस वक्त इनको तुम्हारी तवज्जो की सख्त जरूरत है। जी फरदान, आप यहाँ पे मजीद रहना चाहेंगे या मेरे साथ घर चल रहे हैं? नहीं, मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा, खुदा हाफिज़। अच्छा पापा, हम भी चलते हैं। अरे अंकल, आप यहाँ आ गए, मुझे बुला लिया होता। मैं ये जान चुका हूँ कि जावियाल के साथ ना तो तुम्हारा दोस्ती का रिश्ता है ना लाइबा से कोई ताल्लुक।
پھر زاویال سے تمہارا کس قسم کا رشتہ ہے؟ کیوں بدنام کیا تم نے لائبہ کو؟ انکل آپ کے دونوں اندازے غلط ہیں. میرا آپ کے بیٹے زاویال اور آپ کی بہو سے دونوں سے رشتہ ہے. ناممکن. یہ آپ اتنے وسوخ سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں زاویال کا باپ ہوں اور اچھی طرح جانتا ہوں کہ زاویال اپنے برابر والے لوگوں سے دوستی رکھتا ہے, اور جہاں تک لائبہ کا تعلق ہے اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے اگر تمہارا اس سے تعلق ہوتا تو زاویال اب تک تمہیں جان سے مار چکا ہوتا. اب تم مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ گے یا میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں؟ آپ مجھے شوق سے پولیس کے حوالے کر دیجئے, لیکن آپ انہیں کیا بتائیں گے کہ آپ کے بیٹے نے ایک مڈل کلاس لڑکے سے دوستی کی, یا پھر آپ کی بہو نے میرے لیے آپ کے بیٹے کو ریجیکٹ کر دیا؟ واقعی اگر مجھے تمہیں پولیس کے حوالے کرنا ہے تو مجھے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہے. ٹھیک ہے, میں پولیس اسٹیشن جا کر انہیں بتا دیتا ہوں کہ تم نے میری بہو کی کچھ ایسی تصویریں لی ہیں جس سے تم کافی عرصے سے اسے بلیک میل کرتے رہے, اور جب اس نے بلیک میل ہونے سے انکار کر دیا تو تم نے میرے بیٹے کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا, اور ایک عرصے تک تم اس سے بھاری رقم وصول کرتے رہے جو وہ تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرا تھا. اس کے بعد پولیس کو کوئی شک نہیں رہے گا کہ زاویال کے اکاؤنٹ سے رقم تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتی رہے گی. زاویال کے اکاؤنٹ سے میرے اکاؤنٹ میں پیسے آنے سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ میں زاویال کو بلیک میل کر رہا ہوں. آپ زاویال سے پوچھ لیجیے, وہ خود اس بات کی گواہی دے گا کہ وہ اپنی مرضی سے میرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرتا تھا. نہ تو زاویال تم سے قرض لے سکتا ہے اور نہ ہی چیریٹی کرتا ہے, پھر تم نے ایسا کیا کیا جو وہ تمہیں اتنی بڑی رقم دیتا رہا ہے؟ چلو پولیس تم سے خود ہی پوچھ لے گی, میرا کام تو تمہیں انفارم کرنا تھا. سوچ لیجیے انکل, اگر میں پھنسا تو آپ کا بیٹا زاویال بھی پھنسے گا. تم اس کی فکر نہ کرو, میں اپنے بیٹے کو ہر مشکل سے بچا لوں گا. یہ تو تمہیں سوچنا ہے کہ تم کیا کرو گے, مجھے سچائی بتاؤ گے یا ساری عمر جیل کی سلاخوں کے پیچھے کاٹو گے؟ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے. اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ زاویال تمہاری مدد کو آئے گا تو یہ تمہاری خوش فہمی ہے. اگر وہ تمہاری مدد کو آیا تو میں اسے اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا, اور تم جانتے ہو کہ زاویال اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. ہاں, زاویال اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. جس شخص نے اپنی بیوی کو اپنی غرض کی بھینٹ چڑھا دیا وہ میری کیا مدد کرے گا؟ کیا کہا تم نے؟ زاویال نے کیا کیا لائبہ کے ساتھ؟ میں آپ کو سب کچھ بتا دوں, لیکن میری ایک شرط ہے کہ آپ کو مجھے ہر مشکل سے بچانا ہوگا. ٹھیک ہے, مجھے تمہاری شرط قبول ہے.
सिकंदर, आप जब से घर लौटे हैं तब से खामोश हैं। सब खैरियत तो है ना? हुस्ना, आज मेरे बेटे ने मुझे मेरी ही नजरों से गिरा दिया है। जावियाल ने ऐसा क्या किया उसने? बड़ी मासूमियत से हमारी बेखबरी का फायदा उठाकर उसने हमारे हाथों वो काम कराया जिसके लिए हमें खुदा भी माफ नहीं करेगा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा सिकंदर, साफ लफ्जों में बयान करें आखिर क्या हुआ है? लाइबा मासूम थी, उसको बदनाम करने के लिए अहमर के जरिए साजिश की गई। और साजिश किसी और ने नहीं, जावियाल ने की थी। नहीं नहीं सिकंदर, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानता हूं अपनी औलाद की गलती मानना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसमें यही सच है। उस सच ना मानने से बदल नहीं जाता। सिकंदर मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझसे आखिर ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हुआ है कि जिसकी सजा मुझे इस तरह से मिल रही है। आपका कोई कसूर नहीं है सर। अगर अगर कसूरवार है तो वह जावियाल। वो लाइबा को इस घर में आबाद कराने के लिए नहीं लाया था, वो ये बताने लाया था कि जो खामियां हमें टीना में नजर आती हैं वो लाइबा में भी हैं। और जब हम लाइबा से बदगुमान नहीं हुए तो वो अहमर को उसकी जिंदगी में ले आया और हमें ये बताता रहा कि उसे लाइबा से बहुत मोहब्बत है, उससे भी ज्यादा एतबार है उसे लाइबा पर। और दूसरी तरफ उसने ऐसा खेल खेला कि उस बेचारी को हमारी नजरों से गिरा दिया। सिकंदर आपको पता है जब वो लाइबा को धक्के देकर यहां से निकालना था तो वो आखिर वक्त तक यही कहती रही कि वो बेकसूर है। मेरा दिल इस बात को तस्लीम कर रहा था कि जो वो कह रही है वो सच है, लेकिन मैंने तब भी सिर्फ जावियाल की बात पे एतबार किया। काश काश उस दिन हमने लाइबा की बात पर यकीन कर लिया होता तो आज हम उससे नजरें मिलाने के काबिल तो होते। आप लोग यहाँ हैं, मैं आपको सारे घर में ढूंढ रहा हूँ, सब खैरियत? आई होप एवरीथिंग इज ओके। आप लोगों का मूड मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। खबरदार जो तुमने अपनी गंदे जबान से मुझे मारा तो। अरे मुझसे तो ये बात अब मुझे गाली लगती है। ऐसा क्या कर दिया मैंने? कोई बताएगा मुझे? अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा तुमने क्या किया है। शायद तुम शर्मिंदा भी हो जाओ, लेकिन नहीं, शर्मिंदा तो वो लोग होते हैं जिनके जमीर जिंदा होते हैं। तुम्हारा तो जमीर मर चुका है। अगर तुम्हारा जमीर जिंदा होता तो तुम अहमर को हथियार बनाकर वो ना करते जो तुमने लाइबा के साथ किया है। मैंने क्या किया लाइबा के साथ? बस ये ड्रामा बंद करो, अब तुम्हारे झूठ पर कोई एतबार नहीं करेगा। अहमर मेरे सामने सब कुछ उगल चुका है। अहमर? हाँ अहमर। अगर अहमर ने आपको सब कुछ बता ही दिया तो मैं और नहीं छुपाऊं। हाँ ये सब कुछ मैंने किया, जो कुछ भी लाइबा के साथ हुआ उसकी प्लानिंग मैंने की, और मैं इसके लिए शर्मिंदा नहीं, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान अपने फायदे के लिए जीता। मैंने भी अपना फायदा सोचा और वही किया बस। तुमने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हारे नजदीक ये बड़ी बात नहीं है? अगर जिंदगी बर्बाद हुई है तो लाइबा की हुई है ना, आप लोग इस पे क्यों परेशान हो रहे हैं? इसलिए कि हम इंसान हैं, तुम्हारी तरह पत्थर नहीं है। अगर आप लोग ये सब बातें करके मुझे शर्मिंदा करना चाहते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। जावियाल ऐसा करने का हमारा कोई इरादा भी नहीं है, क्योंकि हम दोनों ये बात जान गए कि तुम्हारे अंदर शर्म या नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। तुमने ये सब कुछ टीना से शादी करने के लिए किया है ना? शादी तो मैं टीना से कोर्ट में जाकर भी कर सकता था,
उसको लेकर मुल्क से बाहर चला जाता। अगर टीना चाहती थी कि वो इस घर में आए, उसको वो सारे हक मिले जो लाइबा को मिले थे। जो इज्जत इस घर में लाइबा की है, इस मुआशरे में इस खानदान की बहू होने के नाते है, वो टीना को नहीं मिल सकती। वो इस खानदान की सिर्फ बहू नहीं है, इस खानदान के वारिस की मां भी है। इसलिए लाइबा की जगह टीना को नहीं मिल सकती। और रही बात टीना से शादी की, तो तुम अपना शौक पूरा कर लो, लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारा और टीना का इस घर से कोई वास्ता नहीं रहेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि कल की तरह आज भी टीना तुम्हारे साथ शादी करने के लिए अपना मतलब तब्दील नहीं करेगी। आप चाहते हैं जो ड्रामा मैंने पहले किया अब भी वैसा ही कुछ करूं? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब? मैं तुम्हें अपनी जायदाद से आह कर रहा हूं। अब तुम टीना से अपनी शर्त पर शादी करो या उसकी शर्त पर, आई डोंट केयर। ओके फाइन, अगर आपको अपने असूल, अपनी बातें, अपनी औलाद से ज्यादा अजीज है तो अपनी जायदाद को अपने पास रखो। आपकी जायदाद के बगैर मैं आपको खुश रहकर दिखाऊंगा। जावियाल, जब टीना तुम्हें ठुकरा दे तो लौट कर इस घर में आ सकते हो। मेरे घर के दरवाजे सिर्फ तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। उसकी नौबत कभी भी नहीं आएगी। तुम्हारा यकीन तुम्हें ले डूबेगा जावियाल। ये सबको वक्त बताएगा। लाइबा, ये क्या कर रही हो तुम? चलो बंद करो ये सब कुछ। हुआ क्या है अम्मी? बेटा, मैंने तुम्हें कहा है कि तुम्हें एहतियात की जरूरत है। इस हालत में तुम क्या कामों में लग जाती हो? अब जितनी एहतियात जरूरी है उतनी तो करती हूँ। अब अगर सारे काम छोड़ के एक तरफ बैठ जाऊंगी तो इतनी मोटी हो जाऊंगी कि कोई मुझे पहचानेगा भी नहीं। तुम पता नहीं किसका फोन आ गया। जाओ बेटा, तुम देख लो, मैं धो लेती हूँ। हेलो। अरे नेहा, कैसी हो? क्या बात है नेहा, इतना रो क्यों रही हो? सब खैरियत है ना? नेहा, रोती रहोगी या कुछ बताओगी भी? हुआ क्या है? अरे हाँ हाँ, मैं आ सकती हूँ तुम्हारे पास, मगर प्लीज कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, अब प्लीज रोना बंद कर। क्या बात है बेटा, क्या हुआ है नेहा को, क्यों रो रही है वो? पता नहीं अम्मी, इतना पूछने पर भी कुछ नहीं बताया, बस रोती जा रही थी। अच्छा मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दें, अगर आप भी जाएंगी तो दादी को लगेगा कि कोई बहुत बड़ी बात है। हाँ तुम ठीक है, लेकिन बेटा बहुत ख्याल से जाना, बहुत एहतियात करना, तो मुझे फिक्र लगी रहेगी। ठीक है, अगर दादी पूछे तो उनसे कह दीजिएगा, मैं अपने दोस्त से मिलने गई। अच्छा ठहरो, मैं तुम्हें कुछ पैसे लेती। बेटा टैक्सी से जाना, बस बस के चक्कर में नहीं रहोगी। साफियाल, तुम पागल हो गए हो? क्या कह रहे हो तुम? तुमने अपनी प्रॉपर्टी, बिजनेस सब कुछ छोड़ दिया है और मुझसे पूछना गवारा भी नहीं किया कि तुम्हारे इस डिसीजन से मैं एग्री करती हूँ या नहीं। इसमें पूछने की क्या जरूरत थी? अच्छे तरीके से जानता हूँ तुम्हारे सामने मेरी प्रॉपर्टी, मेरा स्टेटस, मेरा बिजनेस कोई मैटर नहीं करता। कुछ इस मैटर करती है वो मैं हूँ, मेरा प्यार, मैं तुम्हारे सामने। तुम्हारे फादर ने तुम्हें आग करके ये सारा बिजनेस, सारी प्रॉपर्टी क्या तुम्हारी बहन को दी है? पता नहीं, इसका तो मैंने नहीं पूछा, बट अनम तो पहले ही अपना हिस्सा ले चुकी है। मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा शायद वो लाइबा और फिर होने वाले बच्चे के नाम कर। What? तुम्हारा सब कुछ लाइबा को मिलेगा, जिससे तुम मोहब्बत भी नहीं करते जावियाल, और एक मैं जिससे तुम मोहब्बत के दावे करते हो, जिसके साथ तुम जिंदगी गुजारना चाहते हो, उसे कुछ नहीं मिलेगा?
तुम्हें मैं मिल रहा हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए इसका? साफियाल, एक लेविश लाइफ गुजारने के लिए मोहब्बत नहीं दौलत की जरूरत होती है, और अगर मुझे मोहब्बत के नाम पे दर दर की ठोकरें खानी होती तो तुमसे पहले भी बहुत सारे लोग आए थे जिनके पास मेरे लिए सिर्फ मोहब्बत थी और कुछ नहीं। तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं थी तो मेरा इंतजार क्यों किया, शादी क्यों नहीं कर ली किसी? साफियाल, तुम्हारे इस बात का मेरे पास सिर्फ एक जवाब है, जो पोजीशन, जो स्टेटस तुम्हारे पास था मैं वो चाहती थी, और वो मुझे सिर्फ तुमसे शादी करके ही मिल सकता था। अब जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहा तो तुम्हारी मोहब्बत का मैं क्या करूंगी, तुमसे शादी करके मुझे क्या फायदा है? इसका मतलब तुम्हें कभी मुझसे प्यार था? सिर्फ मेरा बिजनेस, मेरा स्टेटस, इसको पाने की ख्वाहिश थी? इस दुनिया में कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता, हर कोई एक दूसरे का इस्तेमाल करता है। जिस तरह तुमने लायबा का इस्तेमाल किया, ठीक उसी तरह मैंने भी तुम्हारा इस्तेमाल किया, और अ बिग डील। मुझे तुम्हारा ये रूप देख के बहुत अफसोस, दुख हो। तुम सिर्फ कैश कराना चाहती थी मेरी प्रॉपर्टी, मेरा स्टेटस। मैंने तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत की। साफियाल, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी मोहब्बत की मातम करने के बजाय अपने सर्वाइवल के बारे में सोचना चाहिए कि तुमने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है, दो वक्त की रोटी कैसे कमानी है, वगैरह वगैरह। इसकी फिक्र तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में किसी का कर्ज नहीं रखा, हमेशा सूद समेत वापस किया, आज भी मैं वही कर रहा हूं। तुम कहना क्या चाह रहे हो साबियाल? मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे बाप ने अपनी जायदाद से मुझे बेदखल नहीं किया, मैं आज भी सिकंदर फैमिली, उसके बिजनेस, उसके स्टेटस, उसकी दौलत का वाहिद वारिस। मेरे बाप ने मुझे आंख नहीं की, मैं सिर्फ तुम्हें आसमान। तुम्हारा मतलब है तुम अब तक मुझे बेवकूफ बना रहे थे? सिर्फ तुम्हारा टच ले रहा, देखना चाह रहा था कि तुम किस किस्म की औरत, इसको मेरा प्यार चाहिए या सिर्फ मेरी दौलत, मेरा स्टेटस। और तुमने प्रूफ कर दिया तुम्हें गिरी भी हो। साफियाल, अब तुम मेरे इंसल्ट कर रहे हो। इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, तुम्हें वो सब कुछ वापस कर रहा हूं जो तुम डिजर्व करती हो। तुम जैसी औरतें मोहब्बत के लायक नहीं होती, नफरत के लायक होती, और आज से ये जावियाल सिकंदर तुम्हें अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त तक सिर्फ नफरत करेगा। साफियाल, क्या क्या कर रही हूँ? मैं अजनबी लोगों के गैर जरूरी सवालात के जवाब देना जरूरी नहीं। ठीक है, मैं तो गाड़ी में बैठो, तुम्हें जहाँ जाना मैं छोड़ दूँ। कुछ कह रहा हूँ मैं तुमसे, तुमने सुना नहीं? सुन लिया मैं। फिर गाड़ी में बैठो ना, कब तक खड़ी रहोगी यहाँ? नहीं जाना चाहती मैं आपसे। कब तक खड़ी रहोगी यहाँ पे तुम? मैं यहाँ कब तक खड़ी हुई आपका मसला? वैसे भी अब हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं कि आप मेरी या मैं आपकी फिक्र करूं। देखो, तुम्हारे मेरे रिश्ते के खत्म होने से हमें फर्क नहीं पड़ेगा, मगर इस बच्चे को जरूर पड़ेगा जिसको हमारी जरूरत है। इस औलाद पर अपना हक मत जताइए क्योंकि ये सिर्फ मेरी औलाद है, और आपने जो भीख भिजवाई थी वो मैंने वापस भिजवाई। अब बार बार इसका जिक्र मत कीजिए। ठीक कहा था किसी ने कि बेवकूफों के सर पे सिंह नहीं होता। मुझे बेवकूफ कह रहे? जिस तरह की बातें तुम कर रही हो उसके बाद तुम्हें क्या कहा जाए? अच्छा ठीक है, टैक्सी में भी जाना था, पैसे ही दोगी ना? मेरी गाड़ी को टैक्सी समझ लो, बैठ, पैसे दे देना मुझे। रिक्शा?
हजार कितने में बिक गया था? जावियाल, मैंने पैसे नहीं लिए तुम्हारे डैड से। मेरा जमीर मलामत कर रहा था इस वजह से। तुम्हारा जमीर तब मलामत नहीं कर रहा था जब तुम मेरे प्लान का हिस्सा बन रहे थे, मुझसे पैसे ले रहे थे, अब मलामत कर रहा था। मैंने तुमसे उस वक्त भी कहा कि तुम जो कुछ कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे, लेकिन अपना मफाद हासिल करने के लिए तुम्हें उस वक्त कुछ भी सुझाव नहीं दे रहा। देखो, मुझे तुम्हारी तकरीर सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। अब तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि मेरे पैसे वापस कर दूंगा। तुम्हारे पैसे वापस मुझे भी उधार रखने का कोई शौक नहीं है, लेकिन हाँ एक बात तुम्हें बता दूं कि जाओ अभी भी वक्त, अपनी गलती एक्सेप्ट कर। हो सकता है अंकल और लाइबा तुम्हें माफ। बस बस, मैंने कहा ना मुझे तकरीर सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। अपना अच्छा बुरा मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि मेरे पैसे जितनी जल्दी हो सके वापस कर, ये बेहतर होगा तुम्हारे लिए। मैं कर दूंगा तुम्हारे पैसे वापस, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, जो कुछ तुम कर रहे हो बहुत बुरा कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं, खुद तुम्हारे। मगरिब की अजान होने वाली है, ये मौलवी साहब को दिया। क्या है ये? आज जुमेरात है, समीर की पसंद का खाना बनाया था। मौलवी साहब से कहना कि मेरे समीर के लिए दुआ करें। रूप बेचैन हो, तुम तो जानती हो कि सभी तुमसे कितना प्यार करता था। मैं भी तो उससे बहुत प्यार करती थी, क्यों छोड़ के चला गया मुझे, चला गया छोड़ के। अगर उससे प्यार करती हो तो यूं रोकर उसकी रूह को तकलीफ मत दो, उसकी रूह बेचैन हो जाएगी। चुप हो जाओ, आंसू पोंछ ले। ये कौन आ गया? तुम जो भी कहना चाहती हो साफ साफ कहो। आखिर मेरा कसूर क्या है ये तो बता दे। अनम प्लीज, क्या मैं एक अच्छी बीवी नहीं बन सकी? क्या मैंने एक अच्छी बीवी के वो तमाम फराइज और वो सारी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाई? क्या मैंने आपके साथ बेवफाई की? इतनी बड़ी सजा क्यों? तुम बहुत अच्छी बीवी हो। इनफैक्ट मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में शामिल हुई, लेकिन मेरे दिल को इस खुशकिस्मती से कोई सरोकार नहीं। कि नेहा को मेरी जगह देने के लिए ये वजह काफी है? क्या आप उससे मोहब्बत करते हैं? मैं तुम्हारी जगह किसी को नहीं दे रहा, बल्कि नेहा को वो जगह लौटा रहा हूँ जो उसकी थी और हमेशा उसी की रहेगी। और मैं कहाँ थी? तुम मेरी जिंदगी में हो और हमेशा रहोगी। और दिल में? दिल में तो कोई एक रह सकता है, और तुम जानती हो कि मेरे दिल में कौन है। फरदान, अब जब आप इतना सच बोल चुके हैं तो एक सच और भी बता दें। आपने मुझसे शादी क्यों की जब आपको पता था कि आप अपने दिल से नेहा की मोहब्बत को कभी नहीं निकाल सकते? आप नेहा से मोहब्बत करते हैं ना, आपको उसी मोहब्बत की कसम।
मुझे बताएं आपने मुझसे शादी क्यों की। देखो अनम, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी जिंदगी इस तरह से बर्बाद हो। तुम लोगों की तरह तरह की बातें सुनो जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मैं हैरान हूँ फरदान, कल तक जिस शख्स के दिल में मेरे लिए इतनी हमदर्दी थी, आज वो मेरे साथ इतना बेरहम हो गया। अनु प्लीज मेरी बात, फरदान मेरी बर्दाश्त की हद यहीं पे खत्म होती है। आप तो ऐसा कह ही नहीं सकती। वो आपकी बेटी हैं, इसलिए उनकी कोई भी गलती आपको नजर नहीं आएगी। हैरत है अम्मा, इतना कुछ सुनने के बाद भी आप नेहा को बेगुनाह और मासूम समझ रही हैं? हाँ, इसलिए कि वो मेरे बेटे की औलाद है और मेरे बेटे का खून कभी गंदा नहीं हो सकता। लोग तुम्हारे लिए ऐसा कैसे सोच सकते हैं? अगर तुम्हारे दिल में जरा भी खोट होता तो तुम समीर से शादी ही क्यों करती? मैं खुद गर्ज इंसान हूँ जिसने अपने फायदे के लिए अपने प्यारों का इस्तेमाल किया। तकलीफ थी लायबा, जो मुझसे प्यार करती थी, उस पर भरोसा करती थी, उसके साथ भी बुरा किया, बल्कि उसकी तो जिंदगी बर्बाद। जीने के